एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज ट्यूसडे है और अभी आफ्टरनून के 1:30 बजे है और आज हबी को छुट्टी है हाफ डे। तो आज काजल, मैं और हबी घूमने जा रहे हैं मुंबई में गोराई बीच, जो भाईंदर में है। तो वहाँ पे एक दफा पहले भी गए हैं हम, तो अभी गर्मियों का टाइम है तो बीच में घूमने का मजा ही अलग है। तो रेडी हो चुके हैं सुबह से भी, मैं भी काम करके फटाफट से जल्दी रेडी हो गए तीनों। अभी निकलने की जस्ट तैयारी है। काजल उबर या ओला कैब बुक करेगी, अभी जब बुक करेंगे तो फिर निकल जाते हैं फटाफट 5 मिनट में। तो जैसे क्यों तो आने के टाइम फिर अंधेरा हो जाएगा, जल्दी से हमें वापस भी आना है। तो 1:30 हो चुका है, हमने तो सोचा था 12 बजे रेडी होके जाएंगे, लेकिन एज यू जब भी हम लेडीज तैयार होती है तो जल्दी तैयार नहीं होते। अभी कभी से तैयार होके 2000 चक्कर लगा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, तो रेडी नहीं हुए थे। फिर अब रेडी हो चुके, अभी फटाफट से हम निकलने की तैयारी करते हैं। और मैंने आज पहनी है काजल की मिडी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। बीच लुक लग रहा है आज मेरा मीटिंग में। हाँ, बोलो बोलो ना। हाँ, बोलो। हाँ, गोराई बीच भाईंदर वाला। तो गाइस, अभी 2:30 बजे हैं और अभी तक हम नहीं निकले हैं, क्यों तो 2-3 बार कैब वाले ने कैंसिल कर दी कार, वो साइड नहीं चल रहे थे, फिर अभी लेट हो गई है तो वो साइड आने का रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है। तो अभी बोल रहे हैं वो साइड नहीं जा रहे, हम दूसरी साइड जा रहे हैं। तो अभी हम गोराई बीच जो जा रहे थे भाईंदर के साइड था, अब हम जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट जा रहे हैं, जो CST है वहाँ पे मार्केट अच्छा है घूमने का, तो वहाँ पे मार्केट ही जा रहे हैं मुंबई में। तो अभी कार बुक की है, अभी देखे कैब वाला आए, बहुत ही कैंसिल कर रहे हैं, 2-3 बार कैंसिल करने की वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो गया है, तो उसके लिए कैंसिल करना पड़ा हमें।
Thank you.
10 बजे हैं, हम पौने 10 बजे आए हैं। तो ड्राइवर ने क्या किया, कैब बुक करवाई थी तो बहुत ही लंबा रास्ता लेके आया, क्योंकि तो उसको CNG भरवानी थी, उसकी वजह से अलग रास्ते से आया तो वो लॉन्ग पर गया रास्ता। फिर बाद में अभी ने ध्यान देके उसको फटाफट से पहुंचाने की कोशिश की, नहीं तो अभी तक मैं नहीं पहुंचती थी 9:45 बजे तक भी। तो ज़्यादा ही टाइम लग गया है आज पहुंचने में, बहुत कार में इतनी देर बैठे कि तो ऐसी हालत हो गई आज मेरी। वहाँ पे शॉपिंग की है मैंने, बहुत काजल ने और मैंने शॉपिंग की बहुत ही। तो वहाँ पे आज हमने जितनी देर घूमे, मैंने जूस वगैरह पिया जो मेरा फेवरेट है, गन्ने का जूस, फ्रूट खाया, पाव भाजी खाई, जो भी मेरे सब फेवरेट है सब मैंने आज खाए। वहाँ पे जूस भी पी लिया फाइनली, मैंने लॉकडाउन के बाद आज ही गन्ने का जूस पिया है, तो मैंने बड़ा ग्लास पिया आज। तो मेरी हालत वहाँ पे ऐसी ख़राब हो गई, गर्मी इतनी थी कि पूरी देर मैं कार से गई हूँ, जाने से लेके वहाँ से आने तक पानी ही पानी पिया है। इतना पानी पिया है जितना मैं घर में भी नहीं पीती हूँ पानी, इतनी गर्मी थी। जाने के टाइम पे तो इतनी धूप थी, तो कार वाले ने AC भी चालू की थी तो उसकी कूलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि तो इतनी धूप की वजह से वो बोला था कार बहुत गर्म हो चुकी है, हीट बहुत है, तो उसकी वजह से अंदर AC काम नहीं, AC जितनी भी कूलिंग कर रही है फुल पे है, लेकिन वो कार बिल्कुल ठंडी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने फाइनली वहाँ पे क्या किया, विंडोज़ खोल दिए तो वहाँ से बाहर से हवा आ रही थी, तो फिर भी बैठ सके। फिर आने के टाइम मुझे प्रॉब्लम हो गई, जब भी मेरी शॉपिंग पूरी हो गई वहाँ पे, अच्छी सी शॉपिंग की है काजल ने और मैंने, लेकिन आज तो मैं थक गई हूँ, मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा ही थक गई हूँ। मैं कल आपसे जो भी आज मैंने शॉपिंग की है शेयर करूँगी कल के वीडियो में। तो वहाँ पे मेरी ना, मेरी शॉपिंग जैसे पूरी हुई ना मेरी, वहाँ पे अचानक से मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं खड़ी नहीं रह पा रही थी। फटाफट से हब्बी और काजल डर गए, वहाँ से ही उन्होंने कार बुक करवाई, कैब बुक करवा दी, वहाँ से ही फटाफट से मैं बैठी हूँ अपना मीटिंग से। तो मुझे इतनी सफोकेशन हो रही थी, गर्मी ज़्यादा, तो उसकी वजह से फटाफट से लेके आए। गर्मी भी ज़्यादा थी, भीड़ भी ज़्यादा थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी, लोग बहुत थे वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ से निकल आई, फिर आने के टाइम पे इतना टाइम लग गया है अभी, तो अभी मैं इतनी थक गई हूँ। मैंने सोचा था मैं घर जाके आपको जो भी मैंने शॉपिंग की है शेयर करूँगी, लेकिन ये कल के वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैं बस चेंज करके अपना चाय बोला है काजल को बनाने के लिए, वहाँ पे चाय नहीं पी मैंने, ठंडा ही पिया अपना जो मेरा फेवरेट है गन्ने का जूस वो ही पिया, तो चाय नहीं पी मैंने। तो अभी चाय पीऊँगी तो अभी थोड़ा मुझे रिलैक्स लगेगा,
और नाइट सूट पहनूंगी। अभी मैं चेंज करके, तो ऐसी हालत है कार से उतर ही नहीं पा रही थी। अभी ने बिठाया भी हाथ से है, दोनों पैर मेरे पकड़ के ऐसे कार में रखे हैं। उतरने के टाइम पे भी मेरे दोनों पैर बाहर खुद अभी ने हाथों से निकाले हैं, तब जाके मैं बाहर निकली हूँ। और जो कार वाले को CNG बनानी थी, तो उन्होंने वो कार वाले ने भी क्या किया, काजल और अभी को ही उतारा, बोला आप मत उतरो, क्यों तो मेरी हालत उसने देखी। बैठने के टाइम दोनों पैर अभी ने अंदर किए, मैं बैठ नहीं पा रही थी कार में, तो वो समझ गया इसको थकावट है बहुत, चल नहीं पा रही है, प्रॉब्लम है इन्हें, तो मुझे वो कार में ही बिठा के उसने अपनी CNG भरवाई। उसको उसने रिक्वेस्ट की कार वाले ने, भाई ये उतर नहीं पाएंगे, इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अंदर ही बैठी थी, ये दोनों बाहर निकले। फिर आने के टाइम उतर नहीं पाऊँ कार से, मेरी ऐसी हालत हो गई। तो धीरे 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 करके आई हूँ, ये तो भला हो मैंने उस दिन जो स्लीपर लेके आई थी, आपको आपको मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था स्लीपर लेके आई थी, वो पहन के गई, बिल्कुल भी ही भला मैं स्लीपर नहीं पहन के गई, अपना बिल्कुल फ्लैट स्लीपर पहना था मैंने, और वो इतना कंफर्टेबल था, इतना कि नहीं, जितना मैं घूमी हूँ ना उस स्लीपर की वजह से घूम पाई हूँ, वरना मैं घूम नहीं पाती थी। कपड़े तो मैं वैसे भी लाइट पहन के गई हूँ, जैसे चुनी वगैरह नहीं पहन के गई, मैं खुद को संभाल पाऊँ, वही बड़ा था आज मेरे लिए, और गर्मी भी थी तो स्लीपर भी ऐसा था, तो वहाँ पे घूमने में बिल्कुल भी मज़ा आ रहा था पहले तो मुझे बहुत, बाद में जैसे मैं थक गई फिर मेरी हालत खराब, फिर तो ऐसा हुआ कार में कैसे बैठी, अभी डर गए थे, थोड़ी नींद की, उसके बाद थोड़ा ठीक लगा, फिर मम्मी से फ़ोन पर बात की। तो अभी मैं अपना ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और खाना भी बाहर से ही लेके आएंगे क्योंकि तो बहुत थकी हुई हूँ। तो सीधा आपसे मिलती हूँ मैं कल, मैं अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस ब्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thanks for watching my video. Thanks for always supporting me. Thanks for always loving me. Keep supporting. Keep loving. Bye-bye. Take care. Love you all. Milti hu aapse kal.